चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, करेक्ट है, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस कर दो, ये वाई एक्सिस कर दो, ठीक है, और इसी को ओरिजिन मान लेते हैं जहाँ से थ्रो किया गया, ठीक है। तो अब ये सोचो कि y की वैल्यू जीरो कब है, y की वैल्यू जीरो कब होगी इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें y की वैल्यू जीरो यहाँ पर होगी O पे, और ये थ्रो करके मान लो ये P पे आया, O से P आया है ऑब्जेक्ट मूव करते हुए, तो दो जगह पे y की वैल्यू जीरो है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर y इज इक्वल टू जीरो रखा जाए तो x की दो वैल्यू होंगी, एक यहाँ पर होगी एक यहाँ पर होगी, एक ओरिजिन पे ही होगी और एक पी पे होगी। तो एक्स वाई की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो हो सकती है, या 16 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू जीरो होगा। इसको सॉल्व कर लें, यानी 5x बाई 4 इज इक्वल टू 16 कर दो, x इज इक्वल टू 16 इंटू 4 बाई 5 कर दो, ये 64 हो गया, 64 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 601, और ये आ गया 2.12, ये हो गया 2, फिर कितना आएगा 12.8, x इज इक्वल टू 12.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 12.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।